हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आपने अभी तक देखा कि हम झांसी से निकलकर ऋषिकेश आए और फिर ऋषिकेश में एक दिन रुकने के बाद हम निकल आए बद्रीनाथ के लिए और पहुंच गए अपने पहले स्टॉप देवप्रयाग पर। और देवप्रयाग पर कुछ फोटोज लेने के बाद अब हम अपनी राइड कंटिन्यू करने वाले हैं बद्रीनाथ के लिए। और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों भाई, क्या हुआ? गुस्सा हो क्या? करो यार सब्सक्राइब। यार क्या मस्त जगह है ये देवप्रयाग। हालांकि हम वहाँ नीचे कभी नहीं गए, लेकिन एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। फिलहाल तो हम चलते हैं बद्रीनाथ, क्योंकि अगर वहाँ पहुँचने में हम लेट हुए तो होटल्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भैया हमारे पास टेंट वगैरह भी नहीं है। यार तुम यहाँ के रोड्स देखो एक बार। हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को यहाँ पे ऐसे साफ सुथरे रोड्स मिलने वाले हैं। बस बीच बीच में ऐसी भयानक चीज देखकर कभी कभी डर लगने लगता है कि ये पहाड़ कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये रोड्स काफी स्मूथ हैं और इनके साथ साथ ये पहाड़ भी बहुत स्मूथ है। ये चिकनी मिट्टी के पहाड़ जरा सा झटका लगता है या थोड़ी बारिश होती है तो ये खिसक कर रोड्स पर आ जाते हैं। लेकिन हमें ऑफ रोड यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिली है। अभी तक जितनी भी रोड मिली है सारी पक्की रोड मिली है। आगे देखो कैसी रोड मिलती है। रोड्स तो अच्छी हैं, लेकिन ट्रैफिक मिल गया। और ये ट्रैफिक पता कहाँ से लगा हुआ है? वो देखो वहाँ ब्रिज दिख रहा है, वहाँ से यहाँ तक लाइन लगी हुई है। कार और बस वालों का तो बुरा, बहुत बुरा हाल है। अब सोचो अभी तो रोड चौड़ी है तो इतना ट्रैफिक लग रहा है, अगर रोड छोटी होती तो क्या होता। ये देखो लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क कर रखी हुई है, उनको मतलब नहीं है चाहे जितनी बड़ी लाइन लग जाए। ओ भाई ये देखो डिफेंडर, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। और भाई ये देखो यार लड़का साइकिल से आया है, मतलब भाई जुनून देखो यार लोगों का, लोग साइकिल से भी आ जाते हैं। पहाड़ों की यही तो खासियत है, यहाँ सब देखने को मिल जाएगा। मतलब हम जैसे जो हिमालयन से आ रहे हैं और इन जैसे जो साइकिल से आ रहे हैं और उन जैसे जो डिफेंडर से भी आए हैं, सब देख लो एक ही रोड पे। मतलब तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो रास्ते में हमें कौन सी नदी पड़ेगी? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो भाई ट्रैफिक इतना है कि 10 मिनट का रास्ता कवर करने के लिए हमें एक घंटा लग जा रहा है। सबसे बड़ी गलती तो हमने तभी कर दी कि हम आज ज्यादा देर तक सो गए। अगर जल्दी उठकर निकल आते तो आज जल्दी पहुंच जाते, शायद हमें कम ट्रैफिक मिलता। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है। और भाई ये जो ट्रैफिक हमें मिला वो इसलिए मिला क्योंकि हम अभी उत्तराखंड के श्रीनगर में हैं और यहाँ से बद्रीनाथ की जो डिस्टेंस रह जाती है वो है लगभग 180 किलोमीटर। इसको कवर करने में हमें 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं। बस बैठे रहो और देखते रहो भाई।
गाइस हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तो हमें रास्ते में कौन सी नदी मिलेगी। अगर आपने उसका आंसर दे दिया है कमेंट में, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। और अगर आप नहीं दे पाए उसका आंसर तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इस नदी का कलर देखिए आप, ये मटमैली सी नदी कौन सी नदी हो सकती है? बताइए बताइए, कमेंट करके बताइए। अरे भाई इतना भयंकर ट्रैफिक यार, हाथ जोड़ लिए इस ट्रैफिक से तो। बहुत ही आराम आराम से निकलना पड़ रहा है, एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ खाई है। इतनी लंबी लाइन लग गई और यार पता नहीं कहाँ तक होगी ये लाइन। चलते जा रहे हैं बस धीरे 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 निकल निकल के। तो उतने में ये आता है, ये कहता है कि और अंदर ले जाओ गाड़ी। और भाई जब अंदर ले गए भाई ऐसी भाई ऐसा भाई जो फटी है ना बता नहीं सकते भाई। कोई फेंसिंग भी नहीं है जिससे गाड़ी रुक जाए आगे। अब यहाँ घुसा तो ली लेकिन निकलेंगे कैसे। A few moments later. One hour later. तो भाई लॉर्ड के दर्शन कर लो, लॉर्ड अल्टो। A few minutes later. एक और लॉर्ड अल्टो। Hey cutie. Hello. Hello. Hello, सब देखते हुए जा रहे हैं क्योंकि भाई बहुत लोगों की ड्रीम बाइक होती है हिमालयन, हमारी भी थी। तो भाई उन लोगों से कहना चाहता हूँ बहुत मेहनत करो, बहुत पैसे कमाओ और ले डालो अपनी पसंदीदा बाइक। इधर देखो एक और अल्टो। भाई मैं तो कहता हूँ पसंदीदा बाइक छोड़ो, अल्टो ले डालो। ओह माय गॉड, मजे मजे। भाई लॉर्ड अल्टो तक तो ठीक था लेकिन सोचो आपको लेजेंड दिखा दूं तो। तो भाई दिल थाम लीजिए, आ रही है द लेजेंड कार मारुति सुजुकी 800। भाई देख रहे हो डिफेंडर अल्टो साइकिल और अब 800। अब तो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास जो भी गाड़ी हो उसी से आ जाओ। है ना एकदम भयानक जगह लेकिन यार सुंदर भी तो है। पीछे अपने और भी राइडर्स आ रहे हैं और अपने आगे भी राइडर्स हैं। आगे जो दो राइडर्स चल रहे हैं उनसे अपन पहले भी मिल चुके हैं। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा पिछले व्लॉग में जहां हमने पराठे खाए थे वहां ये दोनों राइडर्स भी वहीं थे लेकिन ये हमसे पहले निकल गए थे वहां से और हम पराठा खाने लगे थे लेकिन फिर ये दोनों बेचारे ट्रैफिक में फंस गए और अभी हमारे साथ निकले हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी देर से ट्रैफिक जाम था।
अभी हम जिस जगह यहाँ पहुँचे हैं उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। और इस जगह के बारे में खास बात यह है कि मंदाकिनी नदी केदारनाथ से होते हुए यहीं आकर अलकनंदा में मिल जाती है। इन दोनों का संगम देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे इस वाली रोड से, और इस वाली रोड के लिए आगे से कट आएगा और उस कट से आपको मुड़ जाना है। और ज्यादा है तो यहीं से गाड़ी कुदा दीजिए, मेरा क्या जाता है, आपकी गाड़ी आपकी चॉइस। हम तो चले भैया बद्रीनाथ। और भैया पेट्रोल का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना आप भी इन लड़कों की तरह परेशान हो जाओगे और गाड़ी धड़काना पड़ेगा। वो तो अच्छा है इस रूट में काफी पेट्रोल पंप है, वरना तो ये लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर इन्हें यही बातें तो बाद में याद आएंगी। एक पेट्रोल पंप रुद्रप्रयाग में भी आपको मिल जाएगा। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की डिस्टेंस 150 किलोमीटर रह जाती है और जिसमें हमें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ों में ऐसा ही होता है। और भैया देखो अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह से अपनी गाड़ी चली रही है, हमने तो पराठे वगैरह खा लिए थे लेकिन अब हमारी बाइक को भी खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो अभी एयर प्रेशर चेक कर लिया है और अब बढ़िया चेन लूप पिला रहे हैं ताकि भैया ये नाराज ना हो। अगर ये नाराज हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नगर पंचायत पीपल कोटी में आपका स्वागत है भैया। अभी हम आ चुके हैं पीपल कोटी और यहाँ से जो डिस्टेंस रह जाती है बद्रीनाथ तक की वो रह जाती है 70 से 75 किलोमीटर।
तो भाई देखो, यहाँ से हमें बर्फ के पहाड़ दिखने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बद्रीनाथ के काफी पास आ चुके हैं, लेकिन अपने घर से काफी दूर आ चुके हैं। कोटी के बाद हमें ऐसे रोड्स मिलते हैं जो कि काफी एडवेंचरस लग तो रहे हैं, लेकिन सही बताएं तो जब हमने नीचे देखा तो पहले मेरा गला सूख गया, लेकिन फिर हमने सोचा यार डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे, तो ड्यू उठाओ और हिम्मत का घूंट लगाओ। लेकिन हमारे पास ड्यू तो थी नहीं, हमने डर का थूक घटक लिया और हम आगे बढ़े। यार पूरा घर ही नीचे खाई में चला गया, पता यार किसी ने कितनी मेहनत से बनवाया होगा ये घर, और देखो सब तहस नहस हो गया। नेचर जितनी सुंदर है ना उतनी ही खतरनाक भी है। भाई इधर लग रहा है बहुत भयंकर वाली लैंडस्लाइड हुई है, सड़कें वगैरह सारी चली गई है। ये देखो ये तो आधी सड़क ही गायब है, छोटी सी गली सी निकली है, बस इतनी सड़क बची हुई है बस, बाकी आधी सड़क तो गायब भी हो गई। ये देखो यार यहाँ कैसे पहाड़ों को बांध दिया गया है और ऊपर फेंसिंग भी है, और ये हिस्सा देखो पहाड़ का कितना बाहर निकला हुआ है, रोड के एकदम ऊपर ही है, एक छत बना दी है रोड के ऊपर। और यहाँ से रास्ता जाता है बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए, यहाँ से वन वे स्टार्ट हो जाता है। और अभी हम आ गए हैं जोशीमठ, और जोशीमठ से बद्रीनाथ की जो डिस्टेंस रह जाती है वो है सिर्फ 44 किलोमीटर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि जोशीमठ के बाद बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। इसके बाद सीधा जो पेट्रोल पंप मिलेगा वो सीधा बद्रीनाथ में मिलेगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि यहीं से फिल करा के जाया जाए, क्योंकि अगर बद्रीनाथ में पेट्रोल पंप बंद रहा तो फिर आप फंस सकते हैं। अब बस हमें 44 किलोमीटर और चलना है और बस हम बद्रीनाथ अपनी जो डेस्टिनेशन जो थी हम वहाँ पहुँच जाएंगे।
जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे बद्रीनाथ पास आते जाएगा वैसे वैसे रोड खराब होती जाएगी और अब तो अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए जो हमारी फोन की वीडियो क्वालिटी है वो भी गिरती जा रही है, क्योंकि ये ब्लॉग हमने अपने वीवो के फोन से शूट किया है। अभी हमारे पास कोई भी व्लॉगिंग कैमरा नहीं है, इसलिए रात में इतनी अच्छी क्वालिटी ये फोन नहीं दे सकता है। ये पहाड़ तो देखो यार कैसे कटा हुआ है, पूरा पहाड़ तो हमारे सर के ऊपर ही है। देखो ये बंदा हमें फिर से यहाँ मिल गया, अभी बीच में ये गायब हो गया था क्योंकि हम लोग पेट्रोल वगैरह भराने लगे, तो ये शायद हम लोगों से पीछे हो गया था। हम लोगों ने पेट्रोल भी भरा लिया, उसके बाद ये अब आया है हम लोगों के आगे। लेकिन ये दो बंदे थे, इनका एक और साथी शायद अभी भी पीछे ही है, वो अभी तक नहीं आ पाया आगे। हमारी ऑक्सिलरी लाइट ने हमारा साथ छोड़ दिया, अब हमें सिर्फ हेडलाइट का ही सहारा है। यहाँ तो और कोई लाइट भी नहीं है और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सिर्फ हेडलाइट में विजिबिलिटी बहुत कम मिलती है, बहुत कम एरिया कवर होता है। ऑक्सिलरी लाइट लगाने से काफ़ी एरिया कवर हो जाता है, लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि बद्रीनाथ अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें ज़्यादा देर इस लाइट में राइड नहीं करनी पड़ेगी। चलो भाई शुक्र है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि हम बद्रीनाथ के काफ़ी पास आ गए हैं।
पे एक चेक पोस्ट बना हुआ है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक ऑफिस भी बना हुआ है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आते हैं तो आप यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का तो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। और भाई आ गए हम बद्रीनाथ धाम, जिसे भू बैकुंठ भी कहा जाता है। भू माने धरती, यानी धरती का बैकुंठ कहा जाता है बद्रीनाथ धाम को। और यहाँ श्री नारायण विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर हीरा जड़ा हुआ है और उसे सोने के मुकुट से सजाया गया है। तो चलो अब चलते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा होटल ढूंढते हैं। मिल जाएगा, दो लोगों के लिए नहीं है, मिल जाएगा। हाँ, कितने लोगों के हैं? क्या प्राइस है? 2000 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार, लेकिन हमें उससे भी कम प्राइस में ये रूम मिल गया है, जो कि सही है यार। काफी स्पेस भी है यहाँ पे, दोनों भाई बढ़िया सोएंगे यहाँ पे फैल के। और इस ब्लॉग को करते हैं हम एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं बद्रीनाथ के दर्शन और फिर जाएंगे इंडियाज फर्स्ट प्लेस माना घूमने। तो स्टे कनेक्टेड। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, तो तुम फॉलो कर लो, ठीक है? बाय।